एग्जाम्पल नंबर 44, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, काफ़ी लंबा आदमी भाई है, तो 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट. लैम्प पोस्ट मतलब समझो, देखिए ये एक मतलब लैम्प पोस्ट है, मतलब पोल टाइप का है कुछ, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये सरफेस है जिस पे ये लैम्प पोस्ट खड़ा हुआ है, खंबा. अब देखो यहाँ लैम्प लगा होगा, ठीक है, तो चलो मैं लैम्प बना देता हूँ. तो ये लैम्प से ऐसे रोशनी निकलती है, ठीक. अब ये आदमी देखिए कैसे चल रहा है, समझिए ज़रा, और आप भी चल के देख सकते हो. अगर आप लैम्प पोस्ट के जस्ट नीचे खड़े हो तो आपकी शेडो ना के बराबर बनेगी. शेडो समझते हो, परछाई, ठीक है. अब देखो ये आदमी है 2 मीटर का और ये चल रहा है ऐसे आगे, ठीक, तो इसको चलाओ आगे, और आप भी चल सकते हो लैम्प पोस्ट के नीचे खड़े होकर, आप ऐसे आगे चलते जाओ. कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर से. तो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है. तो पता है स्टूडेंट्स, आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपका जो शेडो है, आपकी जो परछाई है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाती है. ये आप पक्का फील करोगे, आप ये ट्रायल करके देख सकते हो. अब ये शेडो क्या होती है समझो जरा. देखो ये यहाँ पहुँचा. शेडो का मतलब समझिए, बच्चे शेडो का मतलब नहीं समझ पाते. देखो यहाँ से जो रोशनी निकल रही, क्लास में आपने लाइट वाला चैप्टर तो पढ़ा है ना, ठीक है, तो देखो ये जो रोशनी निकल रही है ये ऐसे सभी दिशाओं में ये रोशनी ऐसे करके जा रही है. बस आप आदमी पे फोकस करो, ठीक है. तो देखो ये आदमी का बैक पोर्शन है, ये आदमी का इधर बैक पोर्शन है, ये इसका फेस है, उधर मुंह करके ये चल रहा है, ठीक है. तो सोचो ना कि जब इसके बैक पे लाइट पड़ेगी तो ये लाइट रुक जाएगी, यहाँ से ये लाइट पूरी ऐसे रुक जाएगी, ओके. और लाइट जब इतने पोर्शन में रुक जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं लाइट नहीं पहुँच पाएगी, और ये जो रेज आ रही हैं ये रेज ऐसे लाइट की यहाँ पड़ेंगी, ठीक है. तो यहाँ तो रोशनी होगी, इतने पोर्शन में तो लाइट होगी, बट यहाँ से यहाँ तक कहीं लाइट नहीं होगी. मतलब ये इसका शेडो है, ये इसकी परछाई, क्योंकि इसकी जो पीठ है, ये जो बैक है, इसने लाइट को रोक लिया. तो इतने पोर्शन की लाइट जब रुक गई यहाँ पे, ये देखिए ना, ये वाली सब जो रेज आ रही लैम्प पोस्ट से, इधर से ये इसकी पीठ से रुक जा रही है, तो यहाँ पर रोशनी नहीं मिलेगी आपको. इसी को तो शेडो बोलते हैं. और जैसे जैसे ये आदमी जाता जाता है आगे, कुछ इस तरीके से एक्टिविटी होती है लाइट की कि इसका जो शेडो का लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है. आप फील करिए थोड़ा सा कि अभी ये आदमी यहाँ पर है तो इसकी लेंथ शेडो की ए से बी तक है, थोड़ा सा आगे आएगा तो इसकी जो लेंथ होगी शेडो की वो सी से एम हो जाएगी, ठीक है. अब यहाँ पीछे रोशनी आपको मिलेगी, और ये जो सी से एम है ये ए से बी थोड़ा सा, मतलब ए बी से ये सी एम थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब जो नई शेडो उसकी समय के चेंज होने के हिसाब से जो नई शेडो बनती है उसकी लेंथ जो है लगातार वो बढ़ती जाती है, ठीक है. तो ऐसा आपने क्लास 10th ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, ये हमने आपको समझा दिया ताकि एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो जाए, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, ये आदमी तो चलता जा रहा है, कोई बात नहीं चलने दो उसको, हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, चलो, ठीक. तो सपोज़ हमने इस आदमी की फ़ोटो खींची, तो जब हमने आदमी की फ़ोटो खींची तो यह आदमी यहाँ पे था, ठीक है. मैन है ये, सपोज़ M और N, ये मैन है. तो ये M N कितना है स्टूडेंट्स, ये M N है 2 मीटर्स. ये आदमी कितना लंबा है, अभी बताया था मैंने आपको, आदमी तो काफ़ी लंबा है भाई, 2 मीटर बहुत अच्छी हाइट होती है, ठीक. तो ये 2 मीटर है. अब लैम्प पोस्ट की लेंथ कितनी है, 6 मीटर. मतलब लैम्प पोस्ट को हमने अगर एल पी बोला, एल पी क्या है, लैम्प पोस्ट है, ये जो एल पी की लेंथ है ये है आपकी कितनी, 6 मीटर्स, ओके. अब फिर से वही फंडा लगाना है आपको, क्या कि भाई यहाँ से रोशनी निकल रही होगी, आप एक रे को पकड़िए, वो वाली रे को देखिए जो उसके टॉप हेड को जस्ट टच करके जाती होगी. सोचो ये वाली जो रे है ऐसे करके, और ये जो रे है ये ऐसे करके जाती होगी यहाँ कहीं, ठीक है, ये सीधा बनना चाहिए ये ऐसे, ठीक. तो ये पॉइंट M है, ये आदमी का सर है. अब देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको सपोज हमने Q बोल दिया या S बोल दो, चलो कैपिटल S बोल दो, ठीक है. तो देखो N से लेके S तक आपको शेडो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने देखा है. अगले ही पल आप देखोगे तो ये आदमी आगे बढ़ जाएगा, मैंने इसकी फोटो खींच ली सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो कुछ ऐसी स्थिति होगी. और N से लेके S तक यही शेडो होगा, यही शेडो होगा कि नहीं, N से लेके S तक यही शेडो होगा इस टाइम पे. अगले पल ये शेडो चेंज हो जाएगा, मुझे भी पता है उसका लेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी बैक है और ये रोशनी रुक गई इससे, तो यहाँ शेडो बन जाएगा, ठीक है. चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करें. देखो ये आदमी चल कैसे रहा है, कौन सी स्पीड से चल रहा है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है. मतलब इस आदमी को चलाओ, चलो ये आदमी ऐसे चल रहा है, ठीक है.
तो ऐसे चल रहा है। तो देखो जरा आपको, क्या आपको ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका रेट ऑफ चेंज नहीं दिया होगा। तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है, या स्पीड का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है ना। तो यही डिस्टेंस तो ये चल रहा है, सपोज पी से लेके एन तक की डिस्टेंस को हमने एल से दिखा दिया। अब ये एल एक वेरिएबल है, ये एल एक क्या है, वेरिएबल है, ठीक। तो ये जो लेंथ है वेरिएबल, क्योंकि अगले पल ये एल आपको अलग दिखाई पड़ेगा, तो बाद में आगे बढ़ जाएगा, ठीक। और एन से लेके कैपिटल एस, ये कैपिटल एस पॉइंट है। एन से लेके एस तक को अगर हमने स्मॉल एस से दिखा रहे हैं, आप किसी से भी दिखा लो, स्मॉल एस से आपकी बुक में दिखाया तो मैंने दिखा दिया। तो ये जो एस है ये शेडो है यहां से यहां तक, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है स्टूडेंट्स। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि आप अगले ही पल देखोगे तो ये आदमी की स्थिति चेंज हो जाएगी, एल भी चेंज हो जाएगा, और ये जो एस है शेडो की जो लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी। यानी कि एस और एल दोनों ही वेरिएबल हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये एल जो है वो टाइम का फंक्शन है, समय के हिसाब से ये लेंथ चेंज होगी, आदमी आगे बढ़ जाएगा। यानी कि कहीं 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 ना कहीं हम डीएल बाय डीटी की बात कर सकते हैं कि भैया ये जो एल है ये समय के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। या लेंथ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये जो एल है एक डिस्टेंस है, ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी ही तो होती है। तो इसका मतलब डीएल बाई डी टी आपको कितना दे रखा है, ये जो स्पीड दे रखा है यानी कि 5 किलोमीटर पर आर दे रखा है, ठीक। अब आपको करना क्या है, कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ ही शेडो इंक्रीजेस, शब्द का यूज इन्होंने किया है, बिल्कुल सही यूज किया है, क्योंकि समय जब गुजरेगा तो उसकी जो शेडो की लेंथ है वो इंक्रीज होगी। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, यानी कि आपको क्या पूछ रहा है वो ds by dt, s का इस शेडो की लेंथ का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपको ये ds by dt कहीं ना कहीं पूछ रहा है, करेक्ट। तो अब हमारा टारगेट क्या है स्टूडेंट्स, हम रिलेशन ले आए किसमें, एल और एस में, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा टारगेट ये होगा क्या कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एल एंड एस, ठीक। अगर इन दोनों में हमें रिलेशन मिल जाए, मतलब एल इज इक्वल्स टू समथिंग एस मिल जाए, एल इज इक्वल्स टू समथिंग एस मिल जाए, ठीक है, तो हम बोथ साइड टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो LHS से हमको DL by DT मिल जाएगा और HS हमको DS by DT मिल जाएगा। DL by DT की वैल्यू दी है, DS by DT हम फाइंड कर लेंगे, ओके। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल LPS, ट्राइंगल LPS इज सिमिलर टू ट्राइंगल MNS, Y ध्यान से चेक करिए, ये जो दो ट्राइंगल है ये बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला, यहाँ पे ये 90 है तो यहाँ पे ये 90 है, ठीक। और ये वाला जो एंगल है दोनों में आ रहा है, कॉमन है, ये तो बड़े वाले में भी आता है और छोटे वाले में, तो बाय एंगल एंगल, ओनली एंगल एंगल, अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो LPS इज सिमिलर टू व्हाट, MNS। और आपको नाम ध्यान से रखना है, ध्यान से कैसे, देखिए P पे 90 है तो P की पोजीशन N लेना चाहिए, तो P की जगह क्या है यहाँ पे N, ठीक है। S, S दोनों में कॉमन है तो यहाँ S है तो यहाँ भी S है, बचा क्या, बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसलिए L की पोजीशन कौन ले रहा है यहाँ पर, L की पोजीशन M ले रहा है। तो ऐसे सिमिलरिटी लिखने के बाद अब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखा सकते हैं, कैसे, देखो LP अपॉन MN इज इक्वल्स टू व्हाट, PS अपॉन NS is equals to LS upon MS, LS upon MS। अब इसमें से उसको ले लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत हो, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए LP, क्या LP कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 6 मीटर लैम्प पोस्ट है, अपॉन MN, MN कितना दिया हुआ है, M से लेके N तक ये जो ह्यूमन है उसकी हाइट है तो 2, अब 6 की भी यूनिट मीटर और 2 की भी यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए PS अपॉन NS को हमको लेना है, क्या PS हमको पता है, ध्यान से चेक करिए, हाँ भाई PS हमको पता है, ये PS कितना है ध्यान से चेक करिए, ये P से लेके S तक है स्मॉल l प्लस s, तो ये हो गया स्मॉल l प्लस s अपॉन NS कितना है, N से लेके कैपिटल S तक, ये स्मॉल s है, ठीक है स्मॉल s है। अब LS अपॉन MS क्या हम आगे लेंगे, नहीं, क्योंकि ध्यान से चेक करिए LS हाइपोटेन्यूस है
और एम एस इसका हाइपरटेंस है, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं, तो ये रिलेशन हमारे कोई फायदे का नहीं है, तो दिया ही नहीं हुआ है और रखेंगे भी हम क्यों, क्योंकि यहीं से हमको एल और एस में रिलेशन मिल जाएगा। अब आप क्लियरली देखिए 2 1 2 और 2 3 जा, तो यह आ गया आपका 3/1 कितना होता है 3 होता है, अपॉन में 1 भी लिखना हो तो लिख लो, एल प्लस एस अपॉन एस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए 3 × s 3s इज इक्वल्स टू 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एल प्लस एस ही आ जाएगा। अब s को लेफ्ट में भेजो तो क्या हो जाएगा आपके पास 3s माइनस एस इज इक्वल्स टू एल, और 3s माइनस एस कितना होता है 2s, यानी कि 2s इज इक्वल्स टू एल, तो l की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2 टाइम्स s, और s क्या था लेंथ ऑफ द शेडो एट एनी टाइम, ठीक है, तो l क्या था एक्चुअल में, l था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन एट एनी इंस्टेंट, बाय मैन मैंने बताया ना आपको एक किसी भी टाइम पे हमने उसका फोटो खींच लिया था एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण पर किसी टाइम पर एट एनी इंस्टेंट, और इसी तरीके से s आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, s इज व्हाट एट इज द s इज स्मॉल s इज द शेडो एट एनी इंस्टेंट t, किसी टाइम t पर। अब l इज इक्वल टू 2s आ गया, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dl बाय टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो लेफ्ट में हो जाएगा dl बाय dt। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है और s का करोगे तो क्या आ जाएगा ds बाय dt। अब ये dl बाय dt आपको गिवन था कितना 5, तो यहां 5 रख दीजिए, तो 5 इज इक्वल्स टू 2 और ds बाय dt नॉट डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड लगाइए, राइट में भी 2 से 2 गया 5/2 आ गया, यानी कि जो ds बाय dt आ गया स्टूडेंट्स वो कितना आ गया 5/2, यूनिट लिखना ना भूलें। s क्या है लेंथ एक तरीके का शेडो का, तो लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करेंगे मीटर में, सब कुछ यहाँ मीटर में दिया मीटर पर, और टाइम को किसमें मेजर किया गया यहाँ पर आर में, ओके तो टाइम को ऑब्वियसली यहाँ आर में मेजर किया गया है, तो टाइम को हमको किसमें लेना चाहिए, एक गलती हो गई है हमसे स्टूडेंट शायद, गलती क्या हो गई है, जब डी एस बाई डी टी आएगा तो एस को शेडो को हमें किलोमीटर में लेना चाहिए, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आर में दी हुई है ना, और टाइम को आर में, ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो इज व्हाट 5/2 किलोमीटर पर आर। अब कुछ बच्चों को आपत्ति होगी, कहेंगे यहाँ 2 मीटर 6 मीटर दिया, मैन की जो लेंथ है मतलब हाइट है वो 2 मीटर दी हुई है 6, और ये मीटर में क्या, तो देखो ना आपने यहाँ से जब रिलेशन निकाला था, ठीक है, तो मैंने बताया था ना आपको ये 6 मीटर है और ये 2 मीटर से मीटर कैंसिल नहीं हो गया था, तो वहाँ यूनिट आ ही नहीं रही थी, बात समझ में ही नहीं आई, तो एल और एस में बस जब आपका रिलेशन आया तो आपने क्या किया बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, तो dl बाय dt जब आपने कितना रखा 5/2, और इसका यूनिट भी तो दिया हुआ है क्या किलोमीटर पर आर, है ना, तभी तो मैंने बोला कि ds बाय dt की भी यूनिट कितनी आएगी किलोमीटर पर आर, ठीक। तो फाइनली अब हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में कि हेंस द लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5/2 किलोमीटर पर आर, कर लीजिए।